जैसा किसान भाइयों मैंने बताया था कि मैं डे टू डे फार्म में कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे फार्म में आज 36 दिन हो गया है, लगभग 2100 और 2 किलो के एवरेज में वेट है हमारा, 35 दिन में हो गया था और आज 21वां, आज 36वां दिन है, लगभग 2200 ग्राम वेट है। और फार्म में जो बरसात का मौसम हो गया था जिसके कारण थोड़ा खिच खिच की आवाज़ आ गया था और बहुत ही ज़्यादा खिच खिच, मतलब जैसे मेंढक ठर ठर करते हैं वैसी आवाज़ आने लगा था फार्म में। तो मोटलिटी भी थोड़ा हमारा हो गया था जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही है और चारा भी नहीं उठा रहे थे। तो मैंने फार्म में एक दवा मैंने यूज़ किया, रेस्पो हर्ब और नेफ्रो केयर। 4 बजे मैंने नेफ्रो केयर लगाया था और 8:30 बजे लगभग मैंने रेस्पो हर्ब लगाया था और 1000 वाट पे 20 ml के हिसाब से मैंने लगाया था। तो लगभग हमारे फार्म में आप देख सकते हैं कि आज थोड़ा सा खिचखिच कम हो, मैंने 2 डोज दिया हूँ और चारा भी खाने लगे हैं, नहीं तो चारा एकदम नहीं खाते थे। और रेस्पो हर्ब जो 780 रुपये में मिलता है, 800 कुछ रुपये इसका प्राइस रहता है और 780 रुपये में लगभग मिल जाता है। और हमारे फार्म में बच्चे ठीक ठाक ग्रोथ ले रहे हैं। आज मोर्टलिटी लगभग 24 हो गया था और कल भी 24 था मोर्टलिटी, लगभग 7500 बच्चों में, तो ज़्यादा मोर्टलिटी नहीं हुआ। और गर्मी भी थोड़ा सा आईवी का चिक्स पड़ा हुआ है फार्म में और आप देख सकते हैं फार्म में, आप मैं बच्चा उठा के देख लीजिए आप इस फार्म बच्चे को, नहीं थोड़ा सा भी खर खर की आवाज़ नहीं कर रहे हैं। दवा तो कामगार की दवा है, अगर आप ये दवा यूज़ करेंगे तो फार्म में CRD कराता है, तो फिर आप इसको बच्चों को पिलाइए और इसकी बहुत सावधानी से ही रात के समय में इसको दीजिएगा। और ज़्यादा कल तो बहुत ही आवाज़ कर रहे थे और चारा लगभग मैंने आज 18 बोरा 60 kg का चारा देता है कंपनी, और 18 बोरा मैंने चारा लगाया था फार्म में। एक कल सुबह तक जाते जाते 11 से 12 के बीच तक चारा पूरा चार जाते हैं बच्चे, और फिर उनको मैं भूखा ही रखता हूँ। और भूखा इसलिए रखा था क्योंकि गर्मी भी बढ़ गई है थोड़ा सा और इसमें चारा नहीं देते, कच्चा बीट मार देते हैं। और रेस्पो हर्ब दवा है, आप इसको किसी भी मुर्गी फार्म की दुकान पर जाएंगे, दवा जो दवा बेचते होंगे अपने नियर अबाउट, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और किसी भी जानकारी अगर आप कुछ यही किसी भी बीमारी कुछ भी हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप हमें कमेंट में आप बता भी सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है।